जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये आदर्श पांडे जी की है। आदर्श पांडे जी, आपने जो बर्थ डिटेल दी है उसका मिलान कीजिए। 13/8/2000 7 बजे सायंकाल यानी इवनिंग में बर्थ पैलेस बस्ती उत्तर प्रदेश, IAS में सिलेक्शन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में आपने पूछा है। देखिए, कुंभ लग्न है आपका शनि इसके स्वामी, मकर राशि शनि राशि स्वामी भी मकर के होते हैं, तो ये फायदा आपको मिलेगा। राहु पंचम भाव में मिथुन राशि में उच्च के ऊपर बैठे हैं। मंगल सूर्य बुध की युति कर्क राशि में छठे भाव में हो रही है। जहां मंगल कर्क राशि में नीच के हैं, जहां सूर्य भी और बुध भी दोनों चपल नहीं देते, 7 बजे का टाइम है, सूर्य छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, मतलब बल खत्म। और बुध कर्क राशि के लिए सही नहीं रहते, क्योंकि ये चंद्रमा के शत्रु हैं, मतलब ये चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो तीनों की युति कर्ज भाव में, रोग रिपु ऋण भाव में हो रही है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लग्न आपका 5 डिग्री का कमजोर लग्न है, तो जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, दौड़ धूप कीजिए, योगासन प्राणायाम कीजिए, शरीर को मजबूत करेंगे, और किसी के दूसरे के घर का खाना पीना नहीं खाना है। इससे आपका लग्न मजबूत होगा, इससे आपके सूर्य चंद्रमा मजबूत होंगे, इससे आत्मबल मजबूत होगा, इससे आपकी आत्मा मजबूत होगी, हर तरीके से शुभता आपको प्राप्त होगी। बात करें दशा जो चली हुई है 26/1/2036 तक राहु की दशा चली हुई है, गलत डिसीजन ले बैठेंगे तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, सोच समझ कर पैसा लगाइए, क्योंकि भविष्य में पछतावा रहेगा। बात कर रहे हैं मिथुन राशि में उच्च के अवश्य हैं, कुंभ लग्न के हिसाब से अच्छा फल देंगे, लेकिन पंचम भाव शिक्षा का होता है, जहां की सूर्य गुरु बुध मंगल भी अच्छा फल देते हैं, योग कारक होते हैं पंचम भाव में, लेकिन वहीं राहु उल्टा असर करता है, ये आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचाएगा, हो सकता है पढ़ाई रोकनी पड़ जाए। उतने अच्छे परिणाम राहु अपनी महादशा में नहीं देता, विघ्न बाधाएं पैदा कर देता है, नेगेटिविटी का असर ज्यादा होता है ऐसे इंसान के ऊपर, घर के ऊपर भी हो सकता है। ऐसे इंसान पंचम भाव में राहु हो तो ऐसे इंसान अकेला संघर्ष करता है, पूरे परिवार को चलाता है, ऐसा इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से काफी टूट जाता है, परेशान होता है जब राहु की महादशा या दशा आती है। तो आपको डेडिकेशन से, आपको सही तरीके से मनोबल के साथ काम करना है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। IAS की बात रही आपकी, तो चांस बहुत कम है, रेयर चांस है IAS में। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ के पैसा लगाइएगा, डूब जाएगा। कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज मत लीजिए, फंस जाओगे। मंगल नीच का बैठा है कर्क राशि में छठे भाव, तो राहु की दशा बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप ऐसा काम करें, ये आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपके हर काम में बाधा पैदा करेगा। तो IAS अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पैसा लगा के नहीं। मैं आपके पैसे को आपको बचाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यही है ज्योतिष का, कि बस आप लोगों का मार्गदर्शन हो सके। राहु की दशा है, मांस मीट त्याग दीजिए, देर से सोने की आदत हो त्याग दीजिए, बिस्तर अगर हाथों हाथ तय नहीं बनाओगे उठने के बाद तो राहु पीड़ा ज्यादा देगा, आपको पीड़ा ज्यादा होगी।
जितना हो सके गोमूत्र का सेवन कीजिए, सुबह उठते के साथ गोमूत्र का सेवन आप कीजिए, पूरा परिवार अगर कर सके तो। खाने पीने चीजों में बहुत गजब रहता है। काली गाय माता को काले तिल खिलाइए रोटी के साथ, अद्भुत फल देगा राहु। राहु की मैंने वीडियो भी डाल रखी है कि राहु को शांत कैसे करें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने पूछी है, उसका जवाब देते हैं। देखो गुरु बनते हैं आपकी धनेश और एकादशी, लाभ भाव के स्वामी भी यही और धन भाव के स्वामी भी यही, परिवार के भाव के स्वामी यही, चतुर्थ भाव में सुख के भाव में बैठे हैं लग्नेश के साथ युति बनाकर। तो जुडिशरी का काम आप कर सकते हैं, टीचिंग का काम आप कर सकते हैं। शनि आपके लगने से चतुर्थ भाव में बैठे हैं, समस्या अवश्य उत्पन्न करते हैं, डिप्रेशन की स्थिति ला देते हैं, मानसिक चिंता परेशानी अधिकतर देते हैं, लेकिन लग्नेश होने के कारण चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये घर मकान की भी वृद्धि करेंगे। तो आपको अपने संघर्ष करके ही सब कुछ मिलेगा, मिलेगा सब कुछ आपको। और शनि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, सीमेंट आदि का फैक्ट्री अगर है, तेल पेट्रोल आदि का काम आप कर सकते हैं, वकील आदि का काम आप कर सकते हैं, वकील की तैयारी कर सकते हैं, जुडिशरी की तैयारी आप कर सकते हैं, अच्छी रहेगी। बिजनेस आप कर सकते हैं, होटल आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। सरकारी नौकरी नहीं है तो आप इन चीज़ों में आप महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे आप लॉजिक का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। राहु अच्छा होता है तो आदमी लॉजिक का इस्तेमाल अच्छा करता है, मॉडर्न ज़माने में अच्छे तरीके से जीता है वो। पूजा पाठ राहु नहीं करने देता, अपने पास ज्यादा गंदगी रखता है, राहु नेगेटिविटी ज्यादा रखता है। आपके परिवार पे, आप पे कोई भी नेगेटिव चीजों का असर हो सकता है राहु की दशा के दौरान। शिक्षा की तो ये ऐसी तैसी करते थे, तो सोच समझ कर शिक्षा लीजिए, सोच समझ कर ही फैसले लीजिए। नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, राहु मॉडर्न जमाने का है तो इंसान स्टाइल में रहता है, जैसे कि बाल बिखरे हुए होना, अलग अलग तरीके के स्टाइल के बाल रखना, दाढ़ी रखना, शर्ट बाहर होना, अलग तरीके के जूते, तो इस तरीके की स्टाइल ना करें, राहु पीड़ा देगा। अपने से बड़ों की हो सके जितनी सेवा करें, सूर्यदेव से पूर्व उठने की आदत डालें, हो सके तो हनुमान जी की सेवा जबरदस्त करें, राहु बिल्कुल भी असर नहीं दिखाएगा। मकर राशि अंतिम चरण की 7:30 है, तो आपको हर सुख मिलना पाना चाहते हैं तो आपको गणेश जी को बुधवार को 2 लड्डुओं का भोग लगाना है, दुर्वा घास अर्पित करनी है, और गणेश जी के भी मैंने वीडियो बना रखा है, 12 नाम है, आप उनका जप करें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। शनिदेव की 7:30 है और लग्नेश भी हैं आपके शनिदेव, राशि स्वामी भी शनिदेव हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो जो भी देंगे ये आपको डबल करेंगे, वृद्धि करेंगे उस चीज़ में। तो उसके लिए आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शनिदेव और शनिदेव की पत्नी के 12 नामों का आप जप कीजिए सुबह पहले उठते के साथ ही, गौमूत्र सेवन करने के बाद में आप इन चीज़ों को जाप कीजिए, फिर देखिए आपकी सभी परेशानियाँ पूरी दिन की खत्म होती चली जाती है, रास्ता बनता चला जाएगा। सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है, राहु पंचम भाव में बैठा है तो आपका साथ कोई नहीं देगा, आपको अकेले मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। बिजनेस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको मेहनत करना है, लोगों से जुड़िए, बातचीत करिए, बिजनेस के भी कितने वीडियो यूट्यूब पे हैं आप देखिए, पढ़िए और अपने को तैयार कीजिए उस चीज़ के लिए। क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि, कर्मेश और प्रकर्मेश होकर मंगल छठे भाव में नीच के होकर बैठे अस्त और हैं, तो ये आपके लिए समस्या करेंगे, तो मेहनत कीजिए जितनी हो सके, मेहनत कीजिए। छोटे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ गिफ्ट आप दे सकते हैं, उनसे प्रेम रखिए, अद्भुत रहेगा आपके लिए। शनिदेव को लग्नेश और राशि स्वामी होने के कारण यदि आप दशरथ गृह शनि स्त्रोत्र, उनके 12 नाम और शनिदेव को तेल चढ़ाएं, पीपल में जल चढ़ाने की आदत डालें, खेजड़ी वृक्ष, शनि वृक्ष जो होता है, खेजड़ी वृक्ष बोलते हैं जिसको, उसके दर्शन करें या सायंकाल उसको आप तेल चढ़ाएं,
तेल का दीपक अगर जला है वहां, अगर शनि की आप पूजा पाठ करते हैं तो सरस्वती शनि स्तोत्र 2-3 मिनट का होता है मुश्किल से, आप वो कीजिए, शनिदेव को अपना संगी साथी बनाइए, कुत्ते को रोटी डालना शुरू कीजिए, राहु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। रात्रि में जल्दी सो जाया करें, इससे नेगेटिव जो है वो चीज खत्म हो जाएगी। और किसी पर भी भरोसा ना करें, पैसे तो कहीं पर भी खर्च ना करें, सोच समझ कर डिसीजन ले माता पिता के सामने, माता पिता के साथ बैठ के। तो ये मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप एक बार ही वीडियो ना देखें, बार बार रिपीट करके देखें, जो उपाय बताए हैं, जो चीज मैंने आपको बताई है वो आप कीजिए। 2036 के बाद में गुरु की दशा, धन भाव की दशा, भाग दशा आ जाएगी, तो ये राहु की महादशा में आपको खुद को बचाना है, खुद के परिवार को भी सुरक्षित रखना है, खुद को बिजनेस फील्ड में जो भी आप करना चाह रहे हैं तो बस अब आलस्य त्याग दीजिए और एक जुनून करके एक टारगेट बनाकर आप आगे बढ़िए, इससे आपको फायदा होगा। योगासन प्राणायाम कीजिए क्योंकि शारीरिक समस्या भी राहु बहुत ज्यादा देता है, तो अवरोधों से घबराए नहीं, आगे बढ़े। तो ये तो था आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब नहीं रहेगी इस दौरान भी अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं। अगर आपके पिता की भी कुंडली है तो आप सेंड कर सकते हैं। तो चलो ये हुआ, अब बात करते हैं। देखो वीडियो मैंने डाली हुई है, वो सब वीडियो सोच समझ के परख के प्रैक्टिकल करके देखा गया है, तो ही बनाई है, तो आप उन चीज़ को देखिए, वीडियो को देखिए, कमेंट अवश्य करिए और शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी पर भी, बस आप इतनी सी मदद कीजिए। फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे एक और नई जन्म कुंडली लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।